तो बेरमो जिला बनाने को लेकर भाजपा की कवायद तेज हो चुकी है। कहा कि हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले नए वर्ष में बेरमो अनुमंडल की जनता को बेरमो जिला का सौगात मिलेगा, जिसका सारा श्रेय बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य, पत्रकार बंधु, बेरमो की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि को जाता है। उक्त बातें गिरिडीह के पूर्व सांसद रविन्द्र कुमार पांडे ने बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के चल रहे धरना प्रदर्शन के नौवें दिन पहुंचकर तेनुघाट में बैठे आंदोलनकारियों के बीच अपनी बात कही। तो आगे पांडे ने कहा कि पहले भी तेनुघाट अधिवक्ता संघ के सदस्यों के द्वारा बेरमो जिला बनाने की मांग को लेकर आवाज उठाई गई है। और उत्तरी छोटा नागपुर माननीय मुख्यमंत्री झा कार्यक्रम में देखिए जिनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है, इनका नाम है संतोष, संतोष करके ही है, कोई आवे या नहीं आवे उससे बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिला बन जाएगा तो सब लोग आके यहाँ भाषण देवेंगे, स्वागत। ऐसा है कि बेरमो को जिला बनाने के लिए जितना मुझको याद है हमारे अधिवक्ता संघ के लोग बहुत पहले प्रयास किए थे, उसके बाद वो लोग थोड़ा सा सुस्त हो गए। फिर अभी ये जो महाजुटान का निश्चितकालीन धरना या कार्यक्रम चल रहा है, इनके कमेटी के लोग नायक जी के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए रांची तक आए, उसके बाद जाके माहौल दूसरे ढंग का बना। और तेनुघाट में इतना जगह है कि लैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, भवन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि यहाँ जिला इसलिए भी बनना जरूरी है कि चारों तरफ से